हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोथ पार्टनर्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में। यूजुअली बजट इज एन स्पेंडिंग अ प्लान बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब हाउ मच मनी विल स्पेंड ओवर सर्टन पीरियड। एक एग्जांपल लिया तो हम एक शॉप में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारा कर लिया था, लेकिन हमको उसका एस्टिमेशन पता नहीं था कि हम कितना खर्च कर सकते थे और कितना हो गया। इस बजट प्लान को बनाने से हमको पता लग जाता है हम कितना अधिक खर्च कर सके और कितना कर सकते थे, तो हम इस प्लान को हमारा सारा प्लान सही तरीके से जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बजट को सेट करने के लिए पहले हमको गेटवे ऑफ टैली क्रिएट ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर बजट को सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हम किसके ऊपर बजट बना रहे हैं, ये हमको नाम देना यहाँ पर जरूरी है। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट बना लेंगे। अंडर प्राइमरी ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पीरियड ऑफ बजट फ्रॉम से टू हमको देना पड़ेगा। फर्स्ट हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप्स और लेजर से हम ग्रुप्स पे ये सेट करेंगे। यहाँ पर ग्रुप का नाम हम ऑलरेडी ले लिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं वो सब ये इंक्लूड कर लेता है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बजट सेट करते हैं और बाद में हम नेट ट्रांजेक्शन पर भी डिस्कस करेंगे। अमाउंट 50,000। लेजर्स नो, आप इंडिविजुअल लेजर्स पर भी बजट बना सकते हैं, लेकिन हम ग्रुप पे ही लिया है तो ग्रुप पे ही बनाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। यहाँ पर हमारा बजट सेट हो गया। अब हम एक पेमेंट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। ये 1 अप्रैल को हो गया, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब हमको ट्रायल बैलेंस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, सैलरी यहाँ पर देखिए F10, बजट वेरियंस पर यहाँ पर पूछ रहा है वेरियस एनालिसिस बजट। डायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से हो गया है। यहाँ पर चेंज व्यू पे एच कॉलम चेंज व्यू पे यहाँ पर देखिए मंथली सारी अप्रैल में 10,000 हम खर्च कर चुके हैं। SBI 10,000 आ रहा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस बजट वेरिएंस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको शो हो जाएगा। देखिए 1 अप्रैल से एक्चुअल 10,000 20% अमाउंट हम खर्च कर चुके हैं और 50,000 अमाउंट अभी हमारा 40,000 अमाउंट अभी हमारा बचा है। इस तरह हम बजट सेट करके हमारा एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर
वही बजट हम वही बजट हम चेंज कर लेते हैं। ऑन नेट ट्रांजैक्शन पे कर लिया तो अब हम का डिफरेंट डिफरेंस जानेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बजट वेरिएंस यहाँ पर देखिए, अब हम 136 रुपीज खर्च 1 अप्रैल से, पीरियड देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 50,000 खर्च कर सकते थे और 50,000 खर्च कर लिया, 100% हमारा हो गया। वही हम एक दिन का भी यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। अगर यहाँ पर देखिए 7 ऑलरेडी इतना सारा इतना परसेंटेज हम खर्च कर चुके हैं, वही हम एक महीने का भी यहाँ पर बजट वेरिएंस दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4,246 अमाउंट खर्च कर सकते थे, अगर हमारा 2,235% ज़्यादा हो गया। इस तरह हम नेट ट्रांजैक्शन पे भी ये देख सकते हैं और हमारा एक्सपेंसेस और इनकम भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।